जी, आज पुनः 6 कोविड पॉजिटिव केसेस हम लोगों की रिपोर्ट हुई है। इसमें से गंगा के उत्तरी क्षेत्र से, गंगा के उस पार से, नारायणपुर से 2, नौगछिया से 2 और नाथनगर क्षेत्र में 1 नाथनगर प्रॉपर और 1 इस्लामपुर, वो भी नाथनगर के अंदर ही आता है। तो ये 6 केस हैं। इसमें 4 जो है वो तो प्रवासी मजदूर हैं जो उस पार के हैं, और इस पार वालों की ट्रैवल हिस्ट्री को भी पूरा डिटेल लिया जा रहा है और उम्मीद है कि ये 6 अभी कुछ देर में हमारे यहाँ एडमिट हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में। मुझे लगता है कि पूरी डिटेल देखने के बाद हम लोग तय कर पाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है ट्रैवल हिस्ट्री समझने के बाद, लेकिन उम्मीद करते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि जैसे बाकी सभी केसेस को वो भगवान की कृपा रही और मेहनत रही हमारे अस्पताल के लोगों की, सारे लोगों की, तो हम लोगों ने ठीक करके भेजा है। तो इसी विश्वास पर पुनः काम करेंगे। एक बार आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश हमारे जो स्वास्थ्य के सब यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, चिकित्सा बंधु, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जो दैनिक मजदूर काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी, सारे लोगों की अहमियत है इसमें। सारे लोग काम कर रहे हैं मिलजुल कर और भगवान की कृपा रहती है तो ये सारे लोग ठीक होकर चले जाएंगे। पुराने मरीज जो 17 हैं, 17 के 17 अच्छे हैं, इसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है। 2 में उसमें थोड़ी खांसी थी और सांस फूलना, लेकिन आज वो भी नहीं है, आज वो भी बेहतर स्थिति में है। अभी हम लोग उनके ब्लड टेस्ट हमने कल भेजे हैं फिर, और टेस्ट सैंपल के लिए अभी भेजा गया है। जिन लोगों की 6 तारीख की टेस्ट सैंपल थी उन लोगों का ड्यू हो गया है फिर, तो हम लोग आज से कल तक में सारे लोगों का टेस्ट पुनः एक बार भेज देंगे। अभी तो गाइडलाइन में थोड़ी परिवर्तन हुई है। अब गाइडलाइन कहते हैं, जो नया गाइडलाइन आया है दिल्ली से, उसमें यही है कि अगर मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो तो व्यर्थ में जांच करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में RT-PCR मेथड की कमी है थोड़ी, इसलिए जहाँ मरीज़ों को लक्षण बहुत ही स्पष्ट, स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा होते हैं वहाँ तुरंत करना चाहिए रिपीट टेस्ट। और बाकी में अगर कोई लक्षण ऐसे नहीं हो, मरीज़ ठीक ठाक चल रहे हों, जिनको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केस कहते हैं, तो उसमें टेस्ट तुरंत करने की कोई